जय श्री कृष्णा। मैं हूँ डॉक्टर हिनाउजा, मुंबई से इंटरनेशनल इश्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द अल्फाज फ्यूचर पॉइंट। और आज हम होली की आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो होली के बारे में थोड़ी टिप्स ली जाए, बिजनेस, युवक युवती के शादी के योग बन नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। तो होली जो बहुत ही साल में एक बार ये त्यौहार आता है, तो उसमें जब होली प्रगटती है तभी हमें क्या क्या टिप्स देनी होती है हमें पता नहीं होता है। तो हम आज कुछ नया दिखाने जा रहे हैं। आपके घर में हो सके तो गोमती चक्र होते हैं, गोमती चक्र द्वारका की नदी में से कृष्ण भगवान का गोमती चक्र है जो काफ़ी काम करता है। ये उस चक्का है और ये उल्टा है। तो क्या करना है, गोमती चक्र लेके, 3 गोमती चक्र लेके छोटे बच्चों की, जैसे बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है, ये छोटे बच्चों की नज़र उतारनी होती है साल में एक बार, तो उसे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये 3 गोमती चक्र लेके बच्चों के एंटी क्लॉक वाइज घुमा के तभी आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और जो भी धर्म के हैं वो भी मंत्र जाप अपने खुद का धर्म का भी कर सकते हो। और फिर होली में दहन करना है और साथ में एक कोकोनट भी ले ले और उसके ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज उतार कर फेंक देना है। तो होली में दहन करने से बच्चों की पूरे साल की हेल्थ अच्छी रहती है, जो भी प्रॉब्लम आती है वो चली जाएगी। हम छोटी छोटी टिप्स देते रहेंगे। वैसे ही जिसके शादी नहीं हो रही है तो उसे क्या करना है, ऐसे 21 गोमती चक्र लेके उसके सिरहाने से उतार कर एंटी क्लॉक वाइज 7 टाइम्स 21 गोमती चक्र लेना है। 7 टाइम एंटी क्लॉक वाइज उतार कर मंत्र जाप, मैंने जैसे बताया वैसे मंत्र जाप करके फिर जो भी दिक्कत आ रही, जो भी पूर्व पुण्य के कर्म होंगे वो सारे मैं यहाँ पे दहन कर रहा हूँ और मेरी शादी जल्दी से हो जाए, ऐसा आपको मन्नत लेनी है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक साल में ही मेरी शादी हो जाए अच्छी लड़की से, ऐसे बोलना है, तो वो काफ़ी काम करेगा गोमती चक्र। और आपको हो सके तो गोमती चक्र, जिसकी शादी नहीं होती तो ऐसा छोटा सा गोमती चक्र लेके उसको ऐसी आप फिंगरप्रिंट्स जो हार्ट शेप की रहती है, रिंग पहनाते हम वहीं पे आपको छोटी गोमती चक्र की रिंग पहननी है, सिल्वर या तो गोल्डन में भी पहन सकते हो, तो वो रिंग करके पहनने से काफ़ी फायदा होगा। और ये फिंगर रिंग में, ये रिंग में पहनना है तो आपकी शादी के योग जल्दी बनना चालू हो जाएगा। और अभी देखेंगे गोमती चक्र के बारे में बताया। और जिसकी हेल्थ खराब रहती है, बड़ों लेडीज़ जेंट्स बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, हो सके तो 21 गोमती चक्र लेके उसके पीले मलमल का कापड़ रहता है उसमें पोटली बना के उसमें आपको भर देना है, साथ में साथ पीली कौड़ी लेके रखना है और उसको भी पीले कपड़े में साथ में ही रख देना है। और साथ आपको 11 हल्दी की गांठें लेनी है, वो भी रख देना है ताकि वो पीली एक पूरा पाव बटवा बनाना है उसमें सारी चीज़ें रख देनी है। और फिर आपको साउथ वेस्ट में तिजोरी में रख देना है तो बिजनेस में प्रोग्रेस चालू हो जाएगा, जॉब में प्रॉब्लम होगी तो भी चालू हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, ये हमारी रेमेडी करते रहिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। और ये रेमेडी वर्क करते, खाली विश्वास और ट्रस्ट रखना है कि हमें बताया है वो कार्य करे, हमारा कार्य हो जाएगा, तो जो भी दिक्कत आए वो चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और हमसे छोटे छोटे उपाय और रेमेडी से देखते रहिए, मिलते रहिए। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।